बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फौजी फाउंडेशन स्कूल बिहारी। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो क्लास 7, टुडे आवर साइंस टॉपिक इज चैप्टर नंबर 2, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, लेक्चर नंबर 2। रिकैप, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, अबाउट कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स, अबाउट हार्ट अटैक, सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरीज, हाइपरटेंशन एंड सम सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ऑब्जेक्टिव, आज के हमारे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव हैं, यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट डायबिटीज, एस्थमा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, अबाउट ट्रांसलोकेशन and structure of plants, parts and transportation. Okay students, you got my point? So let's start our lecture. Diabetes. First we will discuss about diabetes. Diabetes is a disease in which a person has high blood pressure, sugar, and because his or body does not produce enough insulin. ठीक है, उनकी body जो है, इंसानी body जो है वो क्या करती है कि इंसुलिन की मुनासिब मिकदार जो है वो तैयार नहीं कर पाती, तो शुगर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इंसुलिन इज द केमिकल दैट इज प्रोड्यूस इन आवर पैंक्रियास। इंसुलिन हेल्प टू डिक्रीज ब्लड शुगर। विदाउट इंसुलिन अ पर्सन डेवलप डायबिटीज। अब इंसुलिन क्या है, एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारे पैंक्रियाज में पैदा होता है। इंसुलिन क्या करता है, शुगर के लेवल को डिक्रीज करता है। अब इंसुलिन के बगैर जो है हम लोग, अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की मिकदार कम हो जाती है तो डायबिटीज हो जाती है और हमारा ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, डायबिटीज के कुछ सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है कि डायबिटीज है, तो अगर आप में से ये किसी को भी आप ये फील हो तो आपको जल्दी से इसका इलाज करवाना चाहिए। लॉस ऑफ वेट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब का आना, एक्सेसिव थ्रस्ट एंड हंगर, बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगना आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। ठीक है, कौन कौन सी सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज हैं? लॉस ऑफ वेट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थ्रस्ट, हंगर, एंग्जाइटी, ये सारी सिम्टम्स हैं उसकी शुगर की या डायबिटीज की। इफ द पेशेंट डज नॉट कंट्रोल द लेवल ऑफ ब्लड शुगर, ही शी मे बी एट द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ आईसाइट एंड हियरिंग, हार्ट अटैक, गम डिजीज, किडनी डिसऑर्डर। अगर कोई पेशेंट या मरीज को सीरियसली नहीं लेता तो क्या होता है, हमारे पास हम लोग जो है बहुत सारे डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं, जिसमें क्या क्या आ जाते हैं, आईसाइट पे असर करती है, हार्ट अटैक कर देती है, मसूड़ों की बीमारियां आ जाती हैं और किडनी डिसऑर्डर कर देती है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो शुगर से बच कैसे सकते हैं और इसका कैसे मुमकिन है, अगर आपको शुगर हो भी तो आप उसका लेवल जो है वो कम कर सकते हैं। कैसे, रेगुलर एक्सरसाइज, कीप हाइड्रेट, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, अवॉइड स्ट्रेस, टेक प्रॉपर स्लीप, मुनासिब नींद लें, यूज हर्बल एक्सट्रैक्ट, ठीक है, देसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें। अ पर्सन कैन कंट्रोल हिज ब्लड शुगर लेवल बाय टेकिंग मेडिसिन, ईटिंग प्रॉपर डाइट एंड टेकिंग एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अस्थमा या दमा, जिसको हम क्या कहते हैं उर्दू में, दमा। Asthma is an allergy that causes the airways of the lungs to swell and narrow. A person with asthma may wheeze, a whistling sound, cough, and feel tightness in the chest. The things that can cause asthma are called allergens. Dust mites, pollen grains, and some food may be cause asthma. Asthma is an allergy ki type hoti hai, theek hai? Dust, gandagi se hoti hai, pollen grains hote hain, jo ki asthma ko cause karte hain. Symptoms mein hamare paas wheeze, सीटी आवाज, खांसी के साथ सांस के साथ सीटी की आवाज आना, बहुत ज्यादा खांसी, बहुत ज्यादा थकन महसूस करना छातियों में या चेस्ट में। ठीक है, ऐसी चीजें जो कि अस्थमा काज करती हैं उनको क्या कहते हैं, एलर्जेंस कहते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से एलर्जेंस होते हैं, डस्ट माइट, पोलन ग्रेन एंड सम फूड में कॉज अस्थमा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, यू गॉट माई पॉइंट। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अस्थमा सिम्टम्स। अब हम देखते हैं इनकी सिम्टम्स क्या है। सबसे पहले है कफ, खांसी,
wheezing, आवाज आना सिटी के साथ, chest tightness, shortness of breath, rapid breathing, तेजी के साथ सांस आना और tiredness या थकन महसूस होना. Next है transportation in plants. अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है मुख्तलिफ चीजों की. ठीक है, प्लांट्स डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, बट दे नीड टू मूव वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर. हाउ डू प्लांट्स ट्रांसपोर्ट मटेरियल? प्लांट्स ट्रांसपोर्ट मटेरियल वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव थ्रू जाइलम वेसल. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर फूड फ्रॉम लीव टू ऑल अदर पार्ट. ठीक है, हमारे पास जो है प्लांट्स के पास जो है ह्यूमन की तरह सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको अपनी खुराक और पानी की ट्रांसपोर्ट के सिस्टम के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिसको हम वो किसके थ्रू होती है, जाइलम वेसल्स और फ्लोएम, जिनको कहते हैं वास्कुलर बंडल्स. जाइलम क्या करता है, पानी कंडक्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है, वो करता है प्रीपेड फूड लेके जाता है लीव से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक. Absorption of water in plants through roots. अब हम देखते हैं कि absorption of water plants में कैसे होती है, roots के जरिए, जड़ों के जरिए. The water enters the plant body through its roots. There are thousands of tiny roots there on each root. The soil surrounding the roots has higher amount of water and minerals than inside the root cells. Water and dissolved materials from the soil absorb into the roots here by diffusion. Diffusion is a movement of substances from where it is in large amount to where it is in small amount. ठीक है, roots के through कैसे होती है, roots में tiny छोटे छोटे जो हैं वो root hairs होते हैं, tiny root hairs होते हैं, वो क्या करते हैं, वो dissolve minerals को लेके जाते हैं soil absorb root पे, और वहाँ पे diffusion का process क्या होता है, सब्सटेंस उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे वो ज्यादा अमाउंट में होता है, ज्यादा अमाउंट से वो कम जगह पे, जहाँ पे कम मिकदार होती है तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है. As water in roots increases, a pressure is produced in the root cells to push water and minerals up in the plant. जैसे ही root में जो है पानी की मिकदार या pressure ज्यादा होता है, वो उसको धक्का लगाना शुरू कर देता है और फिर उसको ऊपर की तरफ pull करना शुरू कर देता है. But this pressure of roots can only lift water up to a certain height. लेकिन ये pressure क्या करता है, एक मखसूस जो है मिकदार तक, मखसूस लंबाई तक, मखसूस ऊंचाई तक जो है वो इसको पानी को लेके जाता है. ठीक है, absorption of water. Uptake of water by plant is called absorption of water. Plants absorb water from the soil through the roots here. Water is said to be the liquid gold of life. Plants are capable of absorbing water from soil solution. Mainly absorb capillary water. Plants also absorb dissolved nutrients along with water. Root hairs absorb water and nutrients from, देखें ये air, ये भी air, water, ये रे root hair, ये absorb करते हैं soil particles and यहाँ से ये सारा structure किसका है, ये roots का है कि वो कैसे absorb करती है. Pathway of water absorption in plants, pathway क्या है, तो देखें सबसे पहले soil, फिर root hairs, epidermis, cortex, endodermis, pericycle and then root xylem. नेक्स्ट वन इज ट्रांसपायरेशन. ठीक है, ट्रांसपायरेशन क्या होती है, द लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. ठीक है, पौधों में से पानी का जाया होना बखारात के जरिए, एवेपोरेशन के जरिए क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन. एज वाटर ट्रांसपायर मोर वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द जाइलम. मूवमेंट ऑफ वाटर एग्जर्ट अ पुल ऑन द वाटर विद इन द जाइलम. Roots absorb more water from the surrounding soil to maintain the water column in stem and leaves. ठीक है, तो क्या होता है, ट्रांसपायरेशन जैसी होती है, मूव वाटर मूव करना शुरू कर देता है जाइलम से. मूवमेंट ऑफ वाटर वो उस पर प्रेशर डाल देती है. ठीक है, उसको पुल करना शुरू कर देती है. जैसे जैसे वाटर मूव करता है लीव में, मोर वाटर मूव अप फ्रॉम द स्टेम, उसी तरह स्टेम से जो है वो पानी भी निकलना शुरू हो जाता है. तो क्या होता है, रूट जो है एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर सराउंडिंग से सॉइल में, टू मेंटेन द वाटर कॉलम इन स्टेम एंड लीफ. ठीक है, ट्रांसपायरेशन देखें, वाटर ट्रेवल्स अप थ्रू प्लांट, यहाँ से ये ट्रेवल कर रहा है,
वाटर अब्सॉर्ब बाय रूट्स, यहाँ पे जो अब्सॉर्ब रूट्स ने अब्सॉर्ब कर लिया है, फिर वो ट्रेवल शुरू हो गया ऊपर की तरफ, यहाँ पे पहुंच के जब उसकी एक्सेसिव अमाउंट हो जाती है, वाटर वेपर लॉस फ्रॉम लीफ पोर्स इन ट्रांसपायरेशन, ठीक है, लीफ के पोर्स से जो है वो पानी निकलना शुरू कर देता है और हवा में ट्रांसपायरेशन या एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट्स, ट्रांसलोकेशन, वाटर एंटर्स द प्लांट थ्रू द रूट सिस्टम एंड इट्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लांट। अब ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जो प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स, प्लांट जो अपनी खुराक है, पौधा जो अपनी खुराक है अपने पत्तों में तैयार करते हैं। द प्रिपेयर फूड इज कैरिड बाय फ्लोएम टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर फूड फ्रॉम लीव टू दोज पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी वेयर इट इज नीडेड, इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन लफ्जी मतलब में क्या है, फ्लोएम जो है वो खुराक एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लेके जाता है जहाँ पे वो दस्तयाब नहीं होती, तो इस चीज को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ रूट, उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट पार्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। स्ट्रक्चर ऑफ रूट, सबसे पहले आ जाती है रूट। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ सीड ग्रोथ इट्स रूट स्टार्ट टू सर्च वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल। Roots have branches that play an important role in absorption of water. The root hairs on the root absorb water and minerals from the soil. Roots have xylem tissues to move water and minerals from the soil up through the stems to the leaf. Phloem tissue in roots help to transport food. ठीक है, phloem tissue, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे बीज बनना शुरू हो जाता है तो वो पानी के लिए भी कोशिश शुरू कर देते हैं और खुराक के लिए भी। रूट हेयर्स क्या करते हैं, वाटर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और मिनरल्स सॉइल से। उनके पास जाइलम टिश्यूज होते हैं जो के पानी और मिनरल्स को पहुंचाते हैं एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। स्ट्रक्चर ऑफ रूट में देखें, रूट हेयर, एपिकल मेरिस्टेम, फ्लोएम, एंडोडर्मिस, जाइलम, कॉर्टेक्स, पैरेन्काइमा सेल्स और फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, अब स्टेम क्या होती है, स्टेम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। एपिडर्मिस, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कॉर्टेक्स बनाते हैं, ये इसकी पिथ। यहाँ पे वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, वास्कुलर कैम्बियम होती है इनको और बंडल ऑफ शीथ होती है, ठीक है। मैनी प्लांट्स सच एज मस्टर्ड, सरसों, हैव अ वेब लेयर क्यूटिकल अराउंड द स्टेम टू रिड्यूस वाटर लॉस, उसके गिरना एक कवरिंग होती है जहाँ से वाटर लॉस को कम करता है। बाक आल्सो रिड्यूस वाटर लॉस इन प्लांट, बार्क जो होती है हार्ड किस्म की, वो भी जो है पानी गाया होने से बचाती है पत्तों से और पौधों से। फ्लोएम टिश्यू इन द स्टेम ट्रांसपोर्ट में फूड मेड इन लीव, फ्लोएम टिश्यू क्या करते हैं, वो जो पत्तों ने खुराक बनाई होती है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम टिश्यू कैरी वाटर फ्रॉम रूट टू द लीव, जाइलम टिश्यू जो है वो पानी लेके जाता है रूट से पत्तों तक। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीव या स्ट्रक्चर ऑफ अ लीव, ठीक है, लीव्स आर द ब्लड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है, यहाँ पे जो है सारी खुराक तैयार होती है इसलिए इसको फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट कहते हैं। अपर लेयर ऑफ अ लीफ हैज अ वैक्सी लेयर क्यूटिकल टू रिड्यूस वाटर लॉस, ठीक है, ये वैक्सी क्यूटिकल ये क्या करती है, पानी से जाया होने से बचाती है। लोअर लेयर ऑफ अ हैज अ स्टोमेटा, यहाँ पे लोअर लेयर है, ये वाली नीचे वाली वैक्सी क्यूटिकल है लेकिन लोअर एपिडर्मिस है, यहाँ पे स्टोमेटा होते हैं। Exchange of gases and transpiration takes place through stomata, ठीक है, यहाँ पे transpiration होती है और exchange of gases अंदर आती हैं, बाहर जाती हैं stomata के जरिए, ठीक है। Midrib and veins of a leaf have xylem and phloem tissues, ठीक है, leaf की midrib और vein में कौन से होते हैं, xylem और phloem tissues, these tissues transport water and food throughout the leaf, ये था हमारा internal structure of leaf, आज का हमारा ये lecture था, so here is your assessment, what is diabetes right symptoms, what is asthma right symptoms, define diffusion, what is transpiration, what is translocation, right internal structure of root, right internal structure of stem and right internal structure of a leaf, ठीक है, ये सारी assessment आप अपनी notebook पे solve करेंगे। Okay students, thank you so much, Allah Hafiz, take care.